हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, या सॉलिड मैकेनिक्स आप कह सकते हो। चैप्टर नंबर 2 अपनी चल रही है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज इस पर्टिकुलर क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जैसे इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल क्या होता है, टफनेस क्या होता है, डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है, मेलाबिलिटी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते हैं, रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है ना। इस तरह के टॉपिक्स को हम डिस्कस करते चलेंगे। ये सारा पार्ट खत्म होगा, फिर हमारा हुक्स लॉ हम पढ़ेंगे, फिर जनरलाइज हुक्स लॉ पढ़ेंगे, फिर एक्सियल डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, उसके बाद थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन की कॉन्सेप्ट रहती है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह जो बेसिक पोर्शन था वो हम लोगों ने इससे पहले कवर कर रखा है। अब इन सब के ऊपर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर नंबर 2 का, सोम का, है ना। तो चलिए एक एक करके देखना चालू करते हैं। तो आप जहां तक आप पहले नोट्स बना रखे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? देखो यार, इलास्टिसिटी मतलब सिंपल सी बात है, ये कोई एक मेंबर है, ये एक आपका मेरा कलम जैसे, ये कोई मेंबर है, इस मेंबर के ऊपर मैं लोड लगाऊंगा। हर एक मेंबर, हर एक मटेरियल का एक ना एक इलास्टिक लिमिट होता है। अब इस इलास्टिक लिमिट का क्या सिग्निफिकेंस है? जो इलास्टिक लिमिट तक जितना लोड मेंबर कैरी कर सकता है, मान लो आप उतना लोड लगाए हो, है ना, मतलब ये लोडिंग विद इन इलास्टिक लिमिट है। लेट्स सपोज उतना लोड आपने लगाया है मटेरियल के अंदर, तो वो लोड के कारण क्या होगा? डिफॉर्मेशन हमको देखने को मिलेंगे। अब डिफॉर्मेशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे लोड जिस तरह का होगा उस तरह का डिफॉर्मेशन होगा। जैसे आप एक्सियल लोडिंग लगा रहे हो तो एक्सियल डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, या फिर इलोंगेशन हो रही होगी, या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, है ना। टेंशन फोर्स लगाएंगे तो इलोंगेशन हो रही होगी, अगर आप कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, अगर मान लो आपने बेंडिंग लगाया, बेंडिंग मोमेंट लगाया, तो डिफ्लेक्शन बेंडिंग हो रही होगी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रही होंगे, इस तरह से। तो डिफॉर्मेशन अलग अलग हो सकते हैं, स्लोप मिल रहा होगा, तो ये सारे इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। मान लो अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर, इस मटेरियल का जो भी इलास्टिक लिमिट है उसके विद इन आपने लोड को रखा है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुए। अब लोड को आपने हटा दिया तो ये डिफॉर्मेशन जो हुआ था वो डिफॉर्मेशन वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और मेंबर जो है अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा, मतलब अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज पे वापस आ जाएगा। मतलब मान लीजिए जब डिफॉर्मेशन हो रही है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह कुछ ना कुछ चेंज होगा, लेंथ चेंज हो रहा है, तो शेप एंड साइज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो मान लीजिए अगर डिफॉर्मेशन इलास्टिक है, मतलब जो लोड आपने लगाया वो विद इन इलास्टिक लिमिट है, तो जो डिफॉर्मेशन है वो भी इलास्टिक होंगे, तो आप जैसे ही लोड को रिमूव करते हो वो डिफॉर्मेशन वगैरह भी रिमूव हो जाएगी, और मेंबर जो है अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करता है। दिस प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ विच मेंबर कैन, मेंबर और मटेरियल कैन डू इट, इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। समझ में आ रहा है? इसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, उम्मीद करता हूं आप समझ गए। चलिए लिखते हैं डेफिनेशन को, लिखिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच द स्पेसिमेन कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। आगे लिखिए सेकेंड पॉइंट, द लोडिंग और अनलोडिंग कर्व। लोडिंग आपने किया तो एक कर्व को फॉलो करेगा, फिर आप लोड को रिमूव कर दोगे तो वो मटेरियल अनलोड होगा, अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में आएगा, तो एक पाथ को फॉलो करेगा। तो द पाथ फॉलोड बाय लोडिंग एंड द पाथ फॉलोड बाय अनलोडिंग इज कॉल्ड एज लोडिंग और अनलोडिंग कर्व रेस्पेक्टिवली। पिछले वाले क्लास में इसका आइडिया मैंने आपको दे रखा है। तो द लोडिंग और अनलोडिंग कर्व मे बी लीनियर और मे नॉट बी लीनियर विद इन इलास्टिक लिमिट। अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, ये विद इन इलास्टिक लिमिट या अप टू इलास्टिक लिमिट तक आपने लोड को रखा है और फिर रिमूव कर दिया, मतलब लोड को लगाया फिर लोड को रिमूव कर दिया, तो लोडिंग कर्व जो है वो लीनियर हो सकती है या नॉन लीनियर हो सकती है, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। तो अब मान लो बात करते हैं लीनियर वाला, तो सीधी सीधी बात है, वो वैसे मटेरियल होंगे जो कि हुक्स लॉ को ओबे कर रहे होंगे। अगर नॉन लीनियर है, मे नॉट बी लीनियर और मे नॉट बी, ये जो मे नॉट बी वाले मटेरियल हैं, ये कौन है? ये बेसिकली वो मटेरियल हैं विच डू नॉट ओबे हुक्स लॉ। दीज आर दोज मटेरियल विच जनरली डू नॉट ओबे
हुक्स लॉ, ठीक है, यहां बगल में नोट बना के लिख देता हूं मैंने, वहां साइड में बहुत कोने में छोटे छोटे अक्षर में लिख दिया, फॉर मटेरियल जनरली नॉट फॉलोइंग हुक्स लॉ, ठीक है, फॉर मटेरियल जनरली नॉट फॉलोइंग हुक्स लॉ। तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पर्पज से पूछे जा सकते हैं। अब इसी चीज को हम लोग ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली क्या होता है, ठीक है, ये पेज लिख लिया आपने, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, डेफिनेशन लिख लिया आपने, अब कंटिन्यू करिए, ये सेंटेंस लिखिए, इफ लोडिंग इज डन विद इन इलास्टिक लिमिट और अप टू इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल, विद इन इलास्टिक लिमिट और अप टू इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल एंड देन अनलोडेड, फिर आप अनलोड कर रहे हो, देन लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व जो होगा वो सेम होगा, मतलब जो लोडिंग कर्व है वही अनलोडिंग कर्व होगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज को ग्राफिकली जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग तरह के मटेरियल पॉसिबल है, मटेरियल विच फॉलो हुक्स लॉ, मटेरियल विच डू नॉट ओबे हुक्स लॉ। जो मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है उस केस में तो सिंपली आपको मालूम है जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो लीनियर ही होता है ना। और देखो एक डेफिनेशन मैंने, एक पॉइंट मैंने लिखवा रखा था, एक्चुअली जो प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट और यील्ड वाला जो पॉइंट होता है, ये तीनों कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है, बेसिकली दिस ऑल पॉइंट्स आर कॉमन पॉइंट ओनली, मतलब ये एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि इसको आप एज ए कॉमन पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। याद है वो डेफिनेशन मैंने बोल रखा था, ठीक है, इस बात का मैं इस्तेमाल करूंगा अभी, ओके। तो यहाँ पे देखो y एक्सिस के अलोंग हम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस के अलोंग आपका स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेंगे, y के अलोंग स्ट्रेस, x के अलोंग स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस का सिग्मा और स्ट्रेन को अप्सलाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अप्सलाइन। नाउ पहला ऐसा मटेरियल जो कि हुक्स लॉ ओबे कर रहा है, लेट्स सपोज वो ये है लीनियर, मैंने बनाया स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोफाइल इसका, ऐसा मटेरियल जिसका वो हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है उसका कर्व मैंने बना दिया, देखो स्टार्टिंग से, है ना, दिस मटेरियल इज नॉट फॉलोइंग हुक्स लॉ। बट दोनों मटेरियल का अपना इलास्टिक लिमिट तो होगा, तो लेट्स सपोज जो पहला मटेरियल है ये फर्स्ट वाला डायग्राम है मान लो, एंड दिस इज योर सेकेंड डायग्राम, तो फर्स्ट मटेरियल का ये इलास्टिक लिमिट है, इसको मैं कहता हूँ पॉइंट ए, सेकेंड मटेरियल का ये इलास्टिक लिमिट है, इसको मैं कहता हूँ पॉइंट ए, ये नॉन लीनियर कर्व है, दिस इज योर नॉन लीनियर एंड दिस इज योर लीनियर, यही बात है इसमें, और कुछ है क्या, नहीं, ये जो पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, समझ में आ रही है बात, सेम दिस पॉइंट इज इलास्टिक लिमिट, ओके। चीजों को अच्छे से समझिए, बहुत प्यार से समझाऊंगा, मेरी पावर ऑफ हो गई है इसलिए मैंने वीडियो अपना ऑफ कर दिया, सुनिए समझिए। देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला स्टेटमेंट में, अगर आप लोडिंग कर रहे हो मटेरियल के ऊपर, लोडिंग कर रहे हो अप टू इलास्टिक लिमिट या उसके अंदर में, फिर आप लोड को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वो सारा का सारा जितना भी डिफॉर्मेशन हुए होंगे मटेरियल के अंदर वो वैनिश हो जाएंगे, मतलब वो मटेरियल अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में आएगा प्लस वो डिफॉर्मेशन वगैरह जो भी हुआ था वो भी वैनिश हो जाएगा। तो लेट सपोज कि आपने क्या किया, ये पहला वाला डायग्राम में देखना जो मटेरियल है, आपने क्या किया, मटेरियल पे इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस कर दिया, मतलब मटेरियल पे लोडिंग कुछ ऐसा लगाया कि जो स्ट्रेस है वो पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस मटेरियल में डेवलप हो चुकी है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग का डिफॉर्मेशन कितना डेवलप हुआ होगा, इतना यहां तक का, ये डिफॉर्मेशन, ये स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप हुआ होगा अप्सलाइन, है ना, और पॉइंट ए क्या है, इलास्टिक लिमिट है, तो मैं ये स्ट्रेन को कहता हूँ, ये जो भी स्ट्रेन आई है उसमें इलास्टिक स्ट्रेन आई है, अप्सलाइन ई लिख देता हूं, प्लस जो स्ट्रेस है उसको मैं स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू इलास्टिक लिमिट या स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए सिग्मा ए लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट तक आपने स्ट्रेसिंग किया, अब जैसे ही लोड को रिमूव कर दोगे तो वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो डिफॉर्मेशन धीरे धीरे जो भी हुए थे वो खत्म होना चालू हो जाएंगे, डिफॉर्मेशन विल गेट वैनिश्ड, है ना, तब जाके मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज पे पहुंचेगा। तो जो लोडिंग कर्व है, ओके, जो लोडिंग कर्व है वो ये था, दिस इज योर लोडिंग पाथ, दिस इज योर लोडिंग पाथ। अब अनलोडिंग पाथ भी सेम है, क्यों, क्योंकि ये जो डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन अप्सलाइन ई हुआ है, ये डिफॉर्मेशन को होना है जीरो, है ना, क्योंकि जीरो क्या है, कहां पे, यहां पे, तो ये डिफॉर्मेशन को होना है जीरो, इसलिए अनलोडिंग पाथ भी ये सेम फॉलो करेगा और डिफॉर्मेशन जीरो पे पहुंचेगा, समझ में आ रहा है बात, दिस इज योर अनलोडिंग पाथ।
अनलोडिंग पाथ। अब एक जबरदस्त चीज बताता हूं, है ना। अच्छा, उसको बताने से पहले सिमिलरली यहां पे देखो, जहां पे नॉन लिनियर कर्व है उस केस में ये लोडिंग पाथ, और फिर अपने लोड को रिमूव कर दिया, दिस इज योर अनलोडिंग पाथ, दिस इज योर लोडिंग एंड दिस इज योर अनलोडिंग पाथ। समझ में आ रहा है? और जो आपका इलास्टिक स्ट्रेन डेवलप हुई थी वो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, दिस इज योर इलास्टिक स्ट्रेन अप्स लाइन ई। और जो स्ट्रेसेस डेवलप हुए थे वो ये पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग डेवलप हुए थे मटेरियल में, है ना। अब वो स्ट्रेस भी हो जाएगा जीरो, अनस्ट्रेस्ड कंडीशन पे रीच हो रहा है ना। आपने लोडिंग किया, देखो ये जीरो का वैल्यू यहां से चालू होता है, लोडिंग करते गए करते गए करते गए अप टू पॉइंट ए, तो स्ट्रेस उसमें डेवलप हो गया करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा ए, एंड जो स्ट्रेन डेवलप हुआ इलास्टिक स्ट्रेन अप्स लाइन ई। फिर आपने अनलोड कर दिया, तो अनलोडिंग का भी सेम पाथ फॉलो कर रहा है और वो जीरो ओरिजिन पे ही पहुंच रहा है, तो स्ट्रेस भी हो गया आपका जीरो, मतलब स्ट्रेस यहां से यहां डिक्रीज हो गई और स्ट्रेन फिर यहां से यहां डिक्रीज हो गई, दिस इज योर अनलोडिंग एंड लोडिंग। समझ में आ रही है चीजें, है ना। तो ये लीनियर नॉन लीनियर दोनों हो सकता है, इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है। नॉन लीनियर जिसमें हो रहा है दैट मटेरियल इज नॉट फॉलोइंग हुक्स लॉ, बस यही चीज है। लीनियर जिसमें है दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज योर फॉलोइंग हुक्स लॉ, बस यही चीज है। क्लियर है? अब देखो, अभी अभी मैंने एक पॉइंट आपको बोला था कि जो ये पॉइंट ए है इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट, या इसके नीचे जो पॉइंट मैंने बताया था माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाया था, तो इमेजिन करो वहां पे पॉइंट ए बताया था प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना, फिर इलास्टिक लिमिट बोला था, फिर इलास्टिक लिमिट पॉइंट के आसपास से यील्ड लिमिट वाली पॉइंट होती थी, सी पॉइंट बताया था, तो ए बी सी तीन ऐसे डिफरेंट पॉइंट। तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को जब हम पढ़ रहे थे वहां पे तो बहुत क्लियर कट वे में उन पॉइंट्स को मैंने अलग 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 आपको दिखा रखा था, क्योंकि उनको हमको समझनी थी, उन पॉइंट्स के बारे में उनसे रिलेटेड स्पेसिफिक डिटेल कंसेप्ट समझनी थी, इसलिए उतना क्लियर कट डायग्राम मैंने आपको बता रखा था। बट इन रियलिटी एक पॉइंट और भी लिखाया था कि इन रियलिटी दिस पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, हेंस दिस पॉइंट्स आर कंसिडर्ड टू बी कॉमन पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट्स है इनको हम एज ए कॉमन पॉइंट ही कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस एक्चुअली मटेरियल में डेवलप हुई होगी वो स्ट्रेस की वैल्यू क्या रही होगी, यील्ड स्ट्रेस ऑफ दैट मटेरियल सिग्मा वाई, दिस सिग्मा ए वैल्यू इज नथिंग बट इज इक्वल टू सिग्मा वाई, मतलब एग्जैक्टली एट इलास्टिक लिमिट पॉइंट, है ना, एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग टू इलास्टिक लिमिट पॉइंट जो स्ट्रेस आपको दिख रहा है दैट इज योर यील्ड स्ट्रेस। अभी मान लो आपने इलास्टिक लिमिट पॉइंट जो है उसके नीचे तक कहीं पर लोडिंग रखा है, मतलब पॉइंट ए पर नहीं बल्कि यहाँ यहाँ पर कहीं पे पॉइंट बी तक आपने लोडिंग किया है, तब जो मटेरियल में स्ट्रेस डेवलप होगा वो सिग्मा बी के करस्पॉन्डिंग ही डेवलप होगा, है ना, दैट विल बी सिग्मा बी ओनली, दैट विल बी नॉट योर सिग्मा वाई, वो सिग्मा वाई नहीं होगा, वो सिग्मा बी ही होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एट जस्ट इलास्टिक लिमिट पॉइंट जो आपको स्ट्रेस देखने को मिल रहा है वो सिग्मा ए, दैट इज यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। समझ में आ रहा है? ये लॉजिक मैंने कहां से निकाला, वो कॉमन पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके वहां से मैंने ये लॉजिक निकाला, प्लस ये लोडिंग एंड अनलोडिंग पाथ सेम कर्व को फॉलो करेगा अगर हम लोडिंग को विद इन इलास्टिक लिमिट अगर रखे हैं या अप टू इलास्टिक लिमिट रखे हैं तो सेम पाथ को वो फॉलो करेगा लोडिंग अनलोडिंग। समझ में आ रही है बात? अब देखो, अब यहां पे मैं एक चीज इंट्रोड्यूस करता हूं। अब ये अप्सलाइन ई क्या है, दिस इज योर इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। अब देखना एक चीज मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, करंट आ चुका है लेकिन ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं वीडियो पे आता हूं। स्ट्रेन एनर्जी, देखना एक नोट में लिखना है इसको, नोट में, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, मतलब इट इज नथिंग बट एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जनरली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे होता है ये अभी हम दिखाएंगे।
अब ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये कैसे हो गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसका अगर यूनिट चेक करोगे तो देखो स्ट्रेस का यूनिट क्या, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका सिग्मा का यूनिट। इंटू स्ट्रेन का यूनिट क्या है, स्ट्रेन क्या होता है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, यही होता है स्ट्रेन। तो डिफॉर्मेशन का भी यूनिट मीटर में और लेंथ का भी यूनिट मीटर में, तो मैं मीटर मीटर को अभी कैंसिल नहीं करके ऐसे लिख देता हूँ मीटर इंटू मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर मतलब वर्क डन विच इज नथिंग बट इक्वल टू एनर्जी अपॉन ये मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, क्या हो गया मीटर क्यूब। हम ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम न्यूटन मीटर अपन मीटर क्यूब, तो हो गया ना स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट से भी मैच करवा लिया अपन ने, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, इट इज नथिंग बट एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अभी इस चीज को जरा हम प्रूफ करते हैं, जैसे कि यहां पर प्रूफ क्या मतलब यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। तो ये जो आपने अभी यहां पे क्या किया, आपने मटेरियल के ऊपर लोडिंग किया, फॉर एग्जांपल ये पहला वाला केस देख लो, ये फर्स्ट डायग्राम, मटेरियल के ऊपर लोडिंग किया अप टू इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, फिर लोड को आपने रिमूव कर दिया, तो जो स्ट्रेन एनर्जी मटेरियल में आई थी वो भी रिमूव हो गई फटाक से। जैसे ही आप लोड को रिमूव करते हो, जो स्ट्रेन एनर्जी आई थी वो स्ट्रेन एनर्जी भी रिमूव हो गई। ये जो एनर्जी है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका ये मतलब है वो एनर्जी के कारण ही ये डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। ये जो स्ट्रेन एनर्जी है ये एनर्जी के कारण ही डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है बात। ये जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहे हैं वो एनर्जी के कारण ही हो रहा है, वो जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है उसी के कारण वो डिफॉर्मेशन हो रही है। लेकिन जैसे ही आप लोड को रिमूव कर रहे हो वो स्ट्रेन एनर्जी भी वैनिश हो जा रही है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो जैसे कि आपने ये डायग्राम वन में देखो पॉइंट ए तक आपने लोडिंग को किया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका स्ट्रेस कितना है सिग्मा वाई, और स्ट्रेन कितना है एप्सिलॉन ई। तो जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इट विल बी व्हाट, हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन ई, दिस इज योर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब लेकिन यहाँ पे देखो स्ट्रेसिंग जो हम लोगों ने किया है वो विद इन इलास्टिक लिमिट रखा है, मतलब ये जो स्ट्रेन है दिस आर द इलास्टिक स्ट्रेन, समझ में आ रहा है, मतलब स्ट्रेसिंग जो हमने किया है विद इन इलास्टिक लिमिट किया है। तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको बेसिकली हमने लिखा, दिस इज नथिंग बट आप ऐसे भी इसको कह सकते हो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है, वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, दिस इज एज इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड वॉट इज दिस, इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रैंगल, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इस ट्रैंगल का एरिया। अगर इस ट्रैंगल का एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, वही चीज तो हमने किया, हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू बेस एप्सिलॉन ई, समझ में आ रहा। यहां पर भी रफली देख लो एक ट्रायंगल जैसा ही है कहीं ना कहीं, है ना, तो इस केस में भी वही फॉर्मूला चलेगा। या फिर एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो एरिया अंडर दिस कर्व निकाल लो, इस कर्व का इक्वेशन मालूम है तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, है ना, तो वहां से एग्जैक्ट एनालिसिस हो जाएगा। बाकी हम जनरली यही हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का फॉर्मूला ही यूज करते हैं, क्योंकि सोम के अंदर जो भी मटेरियल हम पढ़ेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे कर रहा होगा, जब मटेरियल ही हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज लीनियर, तो हो गया ना यही फॉर्मूला यूज हो रहा होगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, समझ में आ रहा है। लेकिन मान लो कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल दे दिया है, अब ये सब क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जामिनेशन में कन्वेंशनल में आते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए आते हैं फॉर कर्व सेक्शन ऑल्सो, बताएंगे डिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ेंगे, आगे आगे चलता रहेगा, लेकिन बस एक आइडिया दे रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, मान लो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है, फिर से देखो करंट चला गया, मैं सोच रहा था वीडियो पे आऊंगा लेकिन करंट चला गया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो ये जो कर्व है ठीक है दिस कर्व, इसका इक्वेशन क्या है ये हमको मालूम होगा, तो इसके इक्वेशन को यूज करके फिर एरिया अंडर दिस कर्व हम निकाल लेंगे, है ना, तो वहां से हमको निकल जाएगा इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। या फिर फॉर रफली रफ एस्टिमेशन हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन ई का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो ये जो है स्ट्रेन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम वाला है, क्यों, क्योंकि यहां पे स्ट्रेसिंग जो है आपने करस्पॉन्डिंग टू इलास्टिक पॉइंट आपने लगा दिया है। अब इससे कम भी कोई वैल्यू हो सकता है बिल्कुल, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकेंड वाले डायग्राम में देखो पॉइंट बी तक अगर आप स्ट्रेस किए हो, है ना, तो वो विद इन इलास्टिक लिमिट है,
और स्ट्रेस भी आपका सिग्मा वाई से कम है, और करस्पॉन्डिंग जो इलास्टिक स्ट्रेन इस पर्टिकुलर टाइम पे मटेरियल में आई होगी वो भी आई होगी एप्सिलॉन बी, जो कि मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेन से कम है ना, तो स्ट्रेन एनर्जी भी आपको कम ही मिल रहा होगा। तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो अप टू इलास्टिक लिमिट तक है ना, अगर आप स्ट्रेस करोगे मटेरियल को तो जो आएगी उसका वैल्यू ये है, हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन ई। क्लियर है यहां तक? लोडिंग अनलोडिंग पाथ क्लियर है, स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये चीज क्लियर हो गया, यूनिट वगैरह क्या है ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, तो ये तो बात थी कि हम लोडिंग जो अप्लाई कर रहे हैं मेंबर के ऊपर वो विद इन इलास्टिक लिमिट है, लेकिन अगर आप लोडिंग को बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट अगर अप्लाई कर दोगे, अगर हम लोडिंग को बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट अप्लाई कर देंगे तो जो अनलोडिंग पाथ है वो फिर लोडिंग पाथ के मतलब लोडिंग पाथ जो था वो अनलोडिंग पाथ नहीं होगा, जैसे जो मतलब ये केस फॉलो कर रहा है वो फिर वो नहीं रह जाएगी वहां पे, क्योंकि हमको परमानेंट डिफॉर्मेशन फिर देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं, चलिए। इफ वी लोड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट भी आती है, तो अनलोडिंग पाथ क्या होगा वो हम देखेंगे, फिर क्या कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है वो हम देखेंगे। देखिएगा मजेदार है क्यों, एक पॉइंट मैंने लिखवा रखा है इससे पहले, देखो कि अगर हम लोडिंग करते हैं बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, फिर अनलोड करते हैं, फिर लोड करते हैं, फिर अनलोड करते हैं, इस तरह से साइक्लिक लोडिंग हम अप्लाई करते चलते हैं, जब तब मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि जो यील्ड प्लेट्यू है वो रिमूव हो रही है और स्ट्रेंथ बढ़ रही है आपका, समझ रहे हो? ये चीज मैंने आपको बता रखा था। तो ये चीज रियली क्यों होता है इसका थोड़ा सा अंदर अभी चलते हैं, सीखते हैं, लॉजिक देखते हैं क्या। तो यहां तक लिख लो बाबू, ये सब लिख लो, आगे लिखते चलो नहीं तो फिर पीछे आना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहां से यहां तक ये लिख लिया आपने, ये वाला लिख लीजिए, ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, लिख लो आराम से, फिर ये नोट में ये डाल दो, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये नोट डाल दो। अब इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज का बहुत यूज आने वाला है आगे चल के, बहुत डिकोड करेंगे उसको है ना, इस फॉर्मूला का बहुत यूज करेंगे। यही छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा कंसेप्ट को यूज करके बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखाऊंगा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3D, सब यही बेसिक छोटू सा फॉर्मूला को यूज करके लिखवाऊंगा, समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट बेसिक चीजें ध्यान रखना, और ये है क्या, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो स्ट्रेन एनर्जी अगर आपको निकालना है तो इससे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना होगा, ये इससे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना होगा मेंबर का, तब जाके स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड निकलेगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। अब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, या टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, है ना? तो चीजें अपने को ध्यान रखनी है, तो ये इसको नोट बना के लिख लो। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर, कि अगर हम लोडिंग जो अप्लाई करेंगे वो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, आपने लोडिंग अप्लाई कर दिया, तो जो अनलोडिंग पाथ होगा क्या वो सेम होगा लोडिंग पाथ का, इस चीज को समझने के लिए। तो देखिए, ऐसा होता नहीं है बेसिकली। मैं स्टेटमेंट लिखवाने से पहले आपको थोड़ा सा एक लॉजिक समझा देता हूँ, है ना? ये डायग्राम अभी नहीं बनाना आपको, ये डायग्राम फिर मैं दोबारा बनवाऊंगा, अच्छा वाला डायग्राम वो बनानी है। देखिए, ये मान लीजिए ऐसा कोई मेंबर था, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इस तरह से किसी मेंबर का, ये उसका इलास्टिक लिमिट ए, तो आपने लोडिंग किया है बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, मतलब जब लोड कर रहे हो, दिस इज योर लोडिंग, तो यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट तक, लेट्स सपोज पॉइंट बी तक आपने लोडिंग कर दिया, दिस इज योर पॉइंट बी जो कि इलास्टिक लिमिट के ऊपर है, आपने लोडिंग कर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आ गई मेंबर में सिग्मा बी, जो कि उसका यील्ड स्ट्रेस से भी बड़ा है ना, क्योंकि यील्ड स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट पॉइंट के आसपास ही रहता है ना, यील्ड वाला पॉइंट। तो आपने पॉइंट बी तक लोड कर दिया जो कि बियॉन्ड पॉइंट ए है। अब जब तुम लोड को रिलीज करोगे, अच्छा दूसरा चीज, ये पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन एक्सिस पे देखो, जो टोटल स्ट्रेन आई होगी वो कितना है, वो है एप्सिलॉन बी, है ना, इतना इतना का डिफॉर्मेशन आ चुकी है। अब जब तुम लोड को रिलीज करोगे, जब तुम लोड को रिलीज करोगे, हटाओगे, तो लोड को हटाओगे तो ये बात तो तय है कि जो मटेरियल है, जो मटेरियल है वो क्या होगा,
वो अब अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में आएगा, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू धीरे धीरे जीरो पे पहुंचेगी, मतलब जो स्ट्रेस उसमें मेंबर में आ गया था सिग्मा भी, तो वो अनस्ट्रेस्ड कंडीशन पे आएगा, स्ट्रेस तो होगी जीरो ये बात तय है, लेकिन स्ट्रेन जीरो नहीं होगी, क्योंकि आपने मेंबर को बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट स्ट्रेनिंग किया था, समझ आ रहा है? तो कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन उसमें आ जाती है, इसलिए अनलोडिंग कर्व जो होगा वो ओरिजिनल लोडिंग कर्व को फॉलो नहीं करेगा। दिस इज योर लोडिंग कर्व, एलडी अलग से लिखवाऊंगा, अभी बस सुनो समझो, ताकि वो स्टेटमेंट जो लिखवाऊं वो समझ जाओ, ये ओरिजिनल लोडिंग कर्व है, ओएलडी ओरिजिनल लोडिंग कर्व, लेकिन आपने लोड रिमूव किया तो अनस्ट्रेस्ड कंडीशन पे आना है, मतलब स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होना है, बट जो अनलोडिंग कर्व है वो लोडिंग कर्व को फॉलो नहीं करेगा। ओके क्यों? स्ट्रेन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपने बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट लोड लगाया था, तो कुछ ना कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन हुआ होगा, वो चीज को हम रिगेन नहीं कर सकते, है ना? तो वो स्ट्रेन की वैल्यू रिगेन तो होगी नहीं, तो क्या होगा? तो अनलोडिंग कर्व कैसा होगा? देखो अनलोडिंग कर्व, अब समझा रहा हूं, अनलोडिंग कर्व, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसका इनिशियल पोर्शन, जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, जिसको हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल, इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, स्लोप ऑफ इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोफाइल। तो इसका जो स्लोप है, इसी स्लोप पर एक स्ट्रेट लाइन आप बैकवर्ड करिए, पीछे ड्रॉ करिए, इसी पर्टिकुलर स्लोप पे ये जो लाइन है, ये आके, मतलब ये लाइन और ये इसका इनिशियल वाला लाइन, ये दोनों पैरेलल है, समझ में आ रहा है? जो स्ट्रेट पोर्शन होगा, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जैसे मान लो ओ ए बी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो ओरिजिनल वाला है, इसका जो स्ट्रेट पोर्शन है, इसका ओ ए बी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, ओ ए बी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्ट्रेट पोर्शन है, उसका स्लोप इज नथिंग बट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल, है ना? ये, या फिर आप जनरली उसको समझो कि उस इनिशियल पोर्शन का जो स्ट्रेट पोर्शन है, उसका जो स्लोप है, एट दैट पर्टिकुलर स्लोप ओनली, जिस पॉइंट तक आपने लोड किया था, वहां से जब लोड को रिलीज करोगे तो एक लीनियर लाइन वापस आएगी विच इज पैरेलल टू दिस स्लोप, और वो आके स्ट्रेन एक्सिस को कहीं पे कट कर रही होगी, जैसे यहाँ पे स्ट्रेन एक्सिस को आके ये कट कर रही है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेन जीरो हुआ क्या? नहीं, स्ट्रेन यहां तक, ये जो स्ट्रेन है ये परमानेंट इंड्यूस हो गई, यहां से यहां तक परमानेंट स्ट्रेन, रिकवर कितना हुआ? इतना इतना स्ट्रेन वो रिकवर किया इलास्टिकली, बट यहां से यहां तक इतना परमानेंट आ चुकी है, तो ये प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी हो गया, ये इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, फिर यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है थोड़ा, हाइपर इलास्टिक इसको बोल देते हैं, वही लिखवाऊंगा, मतलब जो अनलोडिंग पाथ है दैट इज नॉट फॉलोइंग योर लोडिंग पाथ, समझ में आई बात? एक बात ये, दूसरा दूसरा पॉइंट यहीं पे आप समझो, ठीक है? क्योंकि इसके आगे एक बार सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, डायग्राम बनवाऊंगा, फिर समझा, मतलब काम खत्म हो जाएगा, है ना? तो समझने वाली काम अभी कर लो। अब देखो, ये फर्स्ट साइकिल था, ये मान लो फर्स्ट साइकिल था, इस तरह से आपने फर्स्ट साइकिल किया, तो फर्स्ट साइकिल करने के बाद हमारे पास जो सीन है वो क्या है? देखो रुको 1 मिनट, हमारे पास जो सीन है वो सीन है ऐसा, 1 मिनट, ये था पहला का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये आपका था इलास्टिक लिमिट, ठीक है? ए आपने पॉइंट बी तक लोडिंग किया था, फिर अनलोड किया, तो ये स्ट्रेट लाइन बन के आ गई, है ना? तो दिस इज योर फर्स्ट लोडिंग साइकिल पे, दिस इज योर लोडिंग कर्व एंड दिस इज योर अनलोडिंग कर्व। तो अनलोडिंग कर्व जो है ये लीनियर था बाबू, ध्यान से सुनना है, अनलोडिंग कर्व लीनियर था। अब सेकेंड साइकिल ऑफ लोडिंग करिए, तो अभी तक मटेरियल का क्या सीन है? मटेरियल में ये सीन है कि इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है? इतना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो चुका है। अब जब तुम इस मटेरियल पे फिर लोड लगाओगे, तो जो लोडिंग कर्व है वो क्या होगा? वो ये जो अनलोडिंग कर्व आया था इसी को फॉलो करेगा, मतलब लोडिंग कर्व विल बिकम लीनियर। तो यहां से यहां तक, जहां से जहां तक लीनियर है, तो यही तो स्ट्रेसिंग कर्व है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन जो प्रोफाइल बन रही है वो फिर अब लीनियर बन रही है, मतलब ये जो पॉइंट है, कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट बी है ये
आपका प्रोपोर्शनल लिमिट बन जाएगा इस मटेरियल का, क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या होता है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो लीनियर होती है। तो सेकेंड लोडिंग साइकिल में पॉइंट बी आपका प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया है? जब प्रोपोर्शनल लिमिट आगे गया, इलास्टिक लिमिट ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट के आसपास इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। जब इलास्टिक लिमिट ऊपर गया तो क्या यील्ड लिमिट भी ऊपर जाएगा? तो यील्ड स्ट्रेस बढ़ रही है कि नहीं मेंबर की, समझ रहे हो? मैंने बोला था ये साइकिल अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो मटेरियल की यील्ड बढ़ रही है। तो कैसे बढ़ रही है देखो, मतलब ये फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होने के बाद सेकंड साइकिल ऑफ लोडिंग जब कर रहे हो तो ये देखो यार, तो जो लोडिंग कर्व है वो तो इसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा ना, जो पहले का अनलोडिंग कर्व था उसी उसी को फॉलो करेगा लोडिंग, यही स्ट्रेसिंग होगी। जब ये स्ट्रेसिंग हो रही है तो ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना पॉइंट बी तक। तो ये अब सोचो कि ये आपका इस मटेरियल का नया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, समझ में आ रहा है? मटेरियल का जो नया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो ये है, मतलब ये वाला, ये बी पॉइंट इधर। अब ये भूल जाओ, ये जो पहले था इसको भूल जाओ, अब ये वाला नया स्ट्रेस स्ट्रेन बन गया, क्योंकि लोडिंग आप यहां से कर रहे हो, दिस इज योर लोडिंग कर्व। तो अब लोडिंग किए, तो अब लोडिंग किए मान लो कि फिर ये पॉइंट बी तक कर दिया था, फिर पॉइंट बी के आगे सी पॉइंट तक आपने कर दिया मान लो, है ना? तो सी पॉइंट तक लोडिंग किया, फिर अनलोडिंग करोगे तो क्या होगा, इसका जो स्लोप था इसी स्लोप को फॉलो करता हुआ बैक एक कर्व आएगी, तो कर्व आ गई और कुछ ना कुछ स्ट्रेस इंड्यूस हो गया है फिर से, सॉरी कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन फिर से इंड्यूस हो गया, और कुछ मतलब और कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुई है ना, और कुछ परमानेंट स्ट्रेस इंड्यूस हो गया। तो ये अनलोडिंग कर्व को फॉलो कर लिया, ये अनलोडिंग कर्व आ गया। अब जब फिर तीसरा सेट ऑफ लोडिंग करेंगे, स्ट्रेसिंग करेंगे, तो जो लोडिंग कर्व होगा वो ये होगा। जब ये तीसरा लोडिंग कर्व ये होगा तो आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका चेंज हो गया, मतलब ये सब खत्म कर दो। नाउ दिस इज योर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मतलब समझिए क्या हो रहा है, ये यहां से लेके यहां तक ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये सी पॉइंट तक। तो ये लोडिंग कर रहे हो तो इसका मतलब क्या, इसका ये स्ट्रेट लाइन तक क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट ही तो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, समझा रखा है? जहां तक जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेट होती है, लीनियर होती है, वो प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। तो क्या प्रोपोर्शनल लिमिट धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए चल रही है? लॉजिक क्लियर है? धीरे धीरे साइकिल टू साइकिल में इंक्रीज होते हुए चल रही है, ठीक है? इसका भी डायग्राम अलग से बना दूंगा, बाकी अभी कॉन्सेप्ट समझ लिया ना कि प्रोपोर्शनल लिमिट कैसे इंक्रीज हो रही है। तो प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो रही है तो इलास्टिक यील्ड दोनों इंक्रीज हो गई, समझे क्या? तो माइल्ड स्टील के ऊपर है ना, हम कंटिन्यूअसली इस तरह से लोडिंग अनलोडिंग बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट करते चलते हैं तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी ब्रिटलनेस भी बढ़ जाती है और डक्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है? प्रोपोर्शनल लिमिट बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, यील्ड बढ़ जाती है, सब बढ़ जाती है, लेकिन उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है और ब्रिटलनेस बढ़ती है, और वो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड वायर के रूप में आपको मिलता है। तो माइल्ड स्टील से ही कहीं ना कहीं ये HYSDB बन रहा है, समझ में आ रहा है बात? लॉजिक क्लियर हुआ? सुने हो बाबू अच्छे से बैठ के तो ये कॉन्सेप्ट सीख गए होगे, और ये सब चीज, ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं लगता कि कोई तुमको सिखाया होगा पूरा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेटिव रटा रटाया चीज चलता है, ओके? तो ये रिपीटेटिव रटा रटाया चीज नहीं है, दिस इज कॉन्सेप्ट लर्न्ड आफ्टर वेरी मच मेहनत फ्रॉम बुक्स एंड गुरुदेव्स, ठीक है? चलो यार आगे बढ़ा जाए, तो ये लिखिए अब, ठीक है? ये सेंटेंस लिखिए पहले, आगे लिखिए, कॉपी में कंटिन्यू करिए। इन केस व्हेन लोडिंग इज डन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट द अनलोडिंग कर्व विल बी डिफरेंट, चीज आपको क्लियर है, समझा रखा है, ठीक है? लिखवाने से पहले डायग्राम अभी बनवाऊंगा, उसको बोला था नहीं बनाने के लिए, अगर फिर भी बना लिए हो तो भाई मेरी गलती नहीं है इसमें। आगे, इन सच केस द अनलोडिंग कर्व विल बी पैरेलल टू स्लोप ऑफ इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है? चलिए इस चीज को समझते हैं, इस डायग्राम को जो पहले बनवाया था वही डायग्राम पहले अभी बना लेते हैं। पहले तो एक डायग्राम पहले ये बनाओ, अच्छे से समझो, दिस इज योर स्ट्रेस एक्सिस, दिस इज योर स्ट्रेन एक्सिस, ठीक है? नाउ
जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है आपका ओरिजिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ मटेरियल, मान लो इस तरह से कुछ इलास्टिक लिमिट तक है, फिर इस तरह से कुछ कर्व है, दिस इज योर पॉइंट ए, लेट सपोज जो हम पॉइंट ए कंसिडर करते आ रहे थे, विच इज योर इलास्टिक लिमिट। ठीक है, कहीं और लिखता हूं पतला हैंडराइटिंग में, एक मिनट, दिस पॉइंट इज योर पॉइंट ए, यहां नीचे लिख देता हूं पॉइंट ए इज इलास्टिक लिमिट पॉइंट, लेट सपोज दिस इज योर इलास्टिक लिमिट पॉइंट। नाउ हमने क्या किया, लोडिंग बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट किया, यहां तक किया, पॉइंट बी पे किया, ठीक है, विच इज योर बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। तो जो लोडिंग कर्व है, इनिशियल लोडिंग कर्व, दिस इज योर लोडिंग कर्व, दिस इज योर लोडिंग कर्व। तो याद करो जो मैंने बताया था कि विद इन इलास्टिक लिमिट या अप टू इलास्टिक लिमिट अगर हम लोडिंग करते हैं तो अनलोडिंग कर्व फॉलो दिस ओरिजिनल कर्व, बट अब अनलोडिंग कर्व विल बी डिफरेंट, एंड अनलोडिंग कर्व क्या होगा, वो होगा लीनियर, एक तो वो होगा लीनियर, एंड लीनियर तो किसी एक पर्टिकुलर स्लोप पे होगा, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मतलब ये जो स्लोप आपको इनिशियली दिख रही है ई एस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जनरली इसको हम बोलते हैं, है ना, या फिर इसी को हम कभी कभी सेकेंड मॉडुलस भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कभी कभी सेकेंड मॉडुलस भी बोला जाता है, कभी कभी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। तो किस केस में सेकेंड मॉडुलस होती है, किस केस में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, ये चीज मैं आपको थोड़ा देर के बाद एक नोट में लिखवा दूंगा। बाकी इन सब चीजों को हमने आरसीसी वाले टॉपिक में, फिर बिल्डिंग मटेरियल वाले टॉपिक में, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हर जगह बता रखा है, ठीक है, बट यहाँ पे एक नोट आपको समझा देंगे। तो देखिए, इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होगा, वही स्लोप पर एक लीनियर अनलोडिंग कर्व आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स सपोज वो कर्व आपको ये बन रहा है, ओके, तो इस तरह से अनलोड हुआ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर लाइन है, ठीक है, दिस इज योर अनलोडिंग कर्व, ओके, लिख देता हूं यहां पे, दिस इज योर अनलोडिंग कर्व, अनलोडिंग कर्व, ठीक है, ये लीनियर है, दिस लाइन इज योर लीनियर, लीनियर है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो, जहां तक आपने स्ट्रेसिंग किया था वहां से एक वर्टिकल लाइन आप स्ट्रेन एक्सिस पे ड्रॉप करिए। तो जब आपने स्ट्रेसिंग किया था सबसे पहला, तो जो उसमें स्ट्रेन आई वो टोटल स्ट्रेन कितना आई थी मटेरियल में, इतना यहां तक ये डिफॉर्म करिए, दिस इज योर स्ट्रेन, अप्स लाइन करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी। जब आपने अनस्ट्रेसिंग किया, अनलोड किया, अनलोड करने के बाद स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन यहां से यहां तक का स्ट्रेन रिकवर हो गया, मतलब जो टोटल डिफॉर्मेशन अपस्लाइन बी तक हुआ था उसमें से कुछ डिफॉर्मेशन रिकवर हुई, बट यहां से यहां तक, जीरो से लेके यहां तक अप टू दिस लेवल, ये डिफॉर्मेशन रिकवर नहीं हुई, है ना। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, इसको हम कुछ कह देते हैं यार, ये पॉइंट मान लो हम कुछ पी कह देता हूं मैं, ठीक है, पी, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है वो अपस्लाइन पी है। तो ये जो स्ट्रेन है, ठीक है, जो कि रिकवर नहीं हुई, तो इसी को हम बोलते हैं परमानेंट सेट, ओके, इसी को बोलते हैं परमानेंट सेट, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन है ये, एंड दिस इज योर इलास्टिक स्ट्रेन रिकवरी, इलास्टिक स्ट्रेन रिकवर्ड, समझ गए चीजों को, ठीक है। नाउ अब जो स्ट्रेन एनर्जी का अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रेन एनर्जी आपको मालूम है, अब यहां से क्लियर है, देखो दो शेडिंग कर रहा हूं, एक तो ये वाला एरिया पिंक वाला, और एक शेडिंग कर रहा हूं अलग से, देखना ये ब्लू कलर को यूज करके, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर वाला एरिया है, ये स्ट्रेन एनर्जी रिकवर हो गई, है ना, तो इस स्ट्रेन एनर्जी को यहां पे कहा जाता है हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, जो स्ट्रेन एनर्जी रिकवर हुआ है, और जो स्ट्रेन एनर्जी रिकवर नहीं हुआ, जो परमानेंटली रह गया है सिस्टम के अंदर, उस मटेरियल के अंदर, वो है आपका प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
जिस कारण से ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन हुई है, प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है आपका? यहां तक चीजें क्लियर है ना? ठीक है, तो यहां तक समझ गए। तो ये तो सिंगल साइकिल ऑफ लोडिंग था, मतलब एक बार आपने लोडिंग किया अनलोडिंग किया तो ये देखने को मिला आपको। मान लो अब इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, इतना प्लास्टिक एनर्जी आ गया जिस कारण से ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ है बेसिकली, और कुछ इलास्टिक एनर्जी रिस्टोर हो गया, वापस आ गया। अब तुम फिर लोडिंग लगाओगे, अब फिर लोडिंग लगाओगे तो जो लोडिंग कर्व होगा वो कौन सा होगा? वो ये पाथ फॉलो करेगा, लोडिंग कर्व। ठीक है, मतलब रीलोडिंग। समझ में आ रहा है? फिर रीलोडिंग हम कर रहे हैं तो कोई दूसरे पॉइंट पे करेंगे, जैसे पॉइंट बी तक पहले किया तो पॉइंट सी तक किया, तो ये रीलोडिंग पाथ ये वाला फॉलो होगा, रीलोडिंग कर्व। फिर वहां से अनलोड करोगे, फिर से रीलोड करोगे, अनलोड करोगे, है ना? तो इससे क्या हो रहा है, देखो प्रोपोर्शनल लिमिट बढ़ जा रही है इस मटेरियल की। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू विच द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर इज लीनियर। तो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर मतलब जब स्ट्रेसिंग कर रहे हो, जब लोडिंग लगा रहे हो, तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। तो ये जो पी टू बी, ये पॉइंट पी जो पहला वाला था, ये पॉइंट पी और ये बी, तो क्या अभी जब हम रीलोडिंग कर रहे हैं तो जो अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इस मटेरियल का वो तो यही है ना, यही वाला फेज है, यही वाला पार्ट है। समझ में आ रहा बात? तो ये तो लीनियर है ना, तो पॉइंट बी इज न्यू प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना? और लेकिन आपने स्ट्रेसिंग कहां तक किया, बेसिकली स्ट्रेसिंग किया पॉइंट सी तक, लेट सपोज। तो जो न्यू प्रोपोर्शनल लिमिट एस्टेब्लिश हुआ वो पॉइंट बी हो गया। अब तो ये लोडिंग कर्व, रीलोडिंग वाला। फिर अनलोड करोगे तो अगेन दिस इज अनलोडिंग। अब फिर से रीलोड करेंगे तो ये कर्व फॉलो होगा, तो पॉइंट सी इज न्यू प्रोपोर्शनल लिमिट अगेन। तो प्रोपोर्शनल लिमिट तुम्हारी बढ़ रही है तो उसके आसपास इलास्टिक लिमिट होता है, उसी के आसपास इल लिमिट होता है, तो सब चीज बढ़ गया ना, समझ रहे हो? तो जैसे जैसे साइकिल चलता रहेगा लोडिंग अनलोडिंग का, आपका क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट बढ़ रहा है तो इलास्टिक लिमिट बढ़ रही है ना, तो इल्ड लिमिट उसकी बढ़ जा रही है मटेरियल की। यही जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेन हार्डनिंग में, यही हम देखे थे ना। स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है, कम डिफॉर्मेशंस पे ज्यादा स्ट्रेसेस वो कैरी कर पाता है। तो यहाँ पर कहीं कहीं ना कहीं वो स्ट्रेन हार्डनिंग का कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, जो प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है उस कारण से परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रही है उसमें यूटिलाइज हो रही है, और इल्ड लिमिट मेंबर की बढ़ते हुए चलती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। समझे क्या? ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। अब दो बातें इससे रिलेटेड लिख लो, एक डायग्राम और बनवा दूंगा, लेकिन पहले ये दो सेंटेंस को लिखिए। ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, इफ लोडिंग इज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, अगर लोडिंग बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट है, साइक्लिक लोडिंग का बात कर रहे हैं, है ना? मतलब लोड किया, अनलोड किया, फिर लोड किया, फिर अनलोड किया, फिर लोड किया, अनलोड किया, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट का कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं। देन इन एवरी साइकिल, हर एक साइकिल में सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इज लेफ्ट इन सिस्टम, जो कि ये परमानेंट स्ट्रेन एनर्जी है ना, या पर सॉरी प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड फॉर व्हाट, परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके, विच इज यूटिलाइज्ड फॉर परमानेंट डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इन नेक्स्ट साइकिल फिर लोडिंग किए, है ना, इल्ड लिमिट इल्ड पॉइंट इंक्रीजेस। अब ये कैसे इंक्रीज हो रहा है मालूम है, क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट बढ़ जा रही है ना। इल्ड पॉइंट इंक्रीजेस, सच फेनोमेना ऑफ इंक्रीज ऑफ इल्ड स्ट्रेस इज नोन एज व्हाट, स्ट्रेन हार्डनिंग। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली रिलेटेड टू स्ट्रेन हार्डनिंग। तो चीजों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहां तक एक डायग्राम और बनवा देता हूं, देखो सेकेंड साइकिल का, है ना, सेकेंड दो तीन दो साइकिल और बनवा देता हूँ, देखो समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम बना के रखना है एक, तो देखो एक मिनट, देखो दिस इज योर स्ट्रेस एक्सिस, दिस इज योर स्ट्रेन एक्सिस, ये आपका ओरिजिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था ऐसा। नाउ जब आपने सबसे पहला लोडिंग किया, ठीक
है, यहाँ पे कहीं पे इलास्टिक लिमिट थी, मान लो दिस इज योर पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। जब आपने पहला लोडिंग किया पॉइंट बी तक किया, फिर अनलोडिंग किया, तो जो अनलोडिंग कर्व है वो ये है इस तरह का, दिस इज योर अनलोडिंग कर्व है ना। तो ये आपका सम परमानेंट स्ट्रेन एनर्जी, सॉरी परमानेंट सेट ये आ गई, या फिर प्लास्टिक स्ट्रेन आप इसको कह सकते हो, ये आ गया मेंबर में। वेल वो थोड़ा सा मेरा बेटी रोने लगी थी, ठीक है, उसका मम्मी को भेज दिया, मम्मी के पास भेज दिया उसको। वेल देखो यार, इसलिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था है ना। तो वेल ये पॉइंट है इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट। तो सबसे पहला लोडिंग साइकिल आपने पॉइंट बी पे किया, दिस इज योर लोडिंग है ना, इसको मैं लिखता हूँ एल एज ए लोडिंग। फिर जब अनलोड किया तो ये अनलोडिंग साइकिल आ गया आपका। अब जब रीलोडिंग करोगे तो रीलोड का साइकिल होगा ये रीलोड, मतलब रीलोडिंग पाथ ये फॉलो करेगा। रीलोड आप कहां तक कर रहे हो, रीलोड करो लेट्स सपोज अप टू पॉइंट सी है ना, यहां तक आपने रीलोडिंग किया, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट चल रहा है, तो बी तक तो आपने पहले से लोडिंग कर दिया था, फिर बी के बाद हम कर रहे हैं है ना, तो पॉइंट सी तक रीलोडिंग किया। तो देखो अब जो स्ट्रेस स्ट्रेन है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, जब अब तुम लोडिंग कर रहे हो रीलोडिंग के टाइम पे, तो यहां से शुरू हो रहा है ये आपका स्ट्रेन मटेरियल में, तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो ही गया है। तो अब मटेरियल का ओरिजिनल पोजिशन क्या है, दिस वन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन, तो या मतलब ये लगभग आप जीरो ही कंसिडर करिए, सोचिए कि वो जीरो है। तो ये जीरो से लेके ये पॉइंट बी, तो ये पॉइंट बी क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है ना, क्योंकि ये लाइन लीनियर होता है मैंने बोला, तो ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है इस कंडीशन के लिए। तो प्रोपोर्शनल लिमिट बढ़ गया ना, तो जब प्रोपोर्शनल लिमिट बढ़ रहा है तो उसी के आसपास तो यील्ड और इलास्टिक लिमिट और यील्ड लिमिट वगैरह होती है, तो ये सब चीजें भी बढ़ गई है ना। अब अनलोडिंग क्या होगा, अनलोडिंग कर्व अगेन, जब लोडिंग आपने यहां तक किया, कहां कहां से कहां तक, ये आपका रीलोडिंग कर्व हो गया, ठीक है, दिस इज योर रीलोडिंग है ना, यहां से यहां तक रीलोड किया, फिर अनलोडिंग अगेन ऐसा, दिस इज योर अनलोडिंग कर्व, ये अनलोड हो गया, फिर रीलोड करोगे यहां से यहां तक रीलोड किया मान लो डी पॉइंट तक, चलता रहेगा। तो मतलब पहले बी प्रोपोर्शनल लिमिट बना, फिर सी प्रोपोर्शनल लिमिट बनेगा, फिर डी प्रोपोर्शनल लिमिट बनेगा। तो देखो प्रोपोर्शनल लिमिट इंक्रीज होते हुए चल रहा है, ये अगेन रीलोड, हाँ, तो प्रोपोर्शनल लिमिट इंक्रीज होते चल रहा है, तो इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड लिमिट वो भी इंक्रीज होते हुए चल रही है, समझ रहे हो। सो दिस इज योर लोडिंग अनलोडिंग बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट का गेम खेला। और हर एक साइकिल में कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन एनर्जी, जैसा पहला वाला साइकिल में ये परमानेंट या प्लास्टिक कह लो, पहला वाला साइकिल में ये, दूसरा वाला साइकिल में यहाँ से यहाँ तक, तीसरा वाला साइकिल में भी कुछ ना कुछ प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी आएगा, जिस कारण से परमानेंट डिफॉर्मेशन कुछ ना कुछ इंक्रीज होगी, क्योंकि ये फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया ना, ये भी प्लास्टिक स्ट्रेन है ना। तो यहाँ से अब यहाँ तक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है ना, और टोटल प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी इन मटेरियल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब ये वाला पूरा टोटल एरिया ऐसा। और इलास्टिक कितना रिकवरी हुई होगी, ये वर्टिकली ऐसे डाउन करो, तो जो रिकवरी हुई है यहां से यहां तक, ये पॉइंट सी से यहां तक, दिस इज योर इलास्टिक स्ट्रेन, बाकी ये प्लास्टिक है यहां से यहां तक। समझ में आ रहा है बात, चीजें क्लियर हुई, ये सब चीजें है बाबू। तो वो तो समझाने टाइप हो गया, एक बार नीट एंड क्लीन डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लो ये यहाँ पे इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है पॉइंट ए, तो आपने सबसे पहले लोडिंग किया अप टू पॉइंट बी, लेट मी चेंज दी कलर, आपने सबसे पहले लोडिंग किया अप टू पॉइंट बी, तो अनलोडिंग कर्व जो है वो ये फॉलो कर रहा है एकदम लीनियर स्ट्रेट लाइन, नीट एंड क्लीन वे में लिख लेंगे, दिस इज योर अनलोडिंग कर्व, ठीक है, दिस लाइन इज पैरेलल टू इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहां से यहां तक हो गया प्लास्टिक स्ट्रेन, दिस इज योर प्लास्टिक स्ट्रेन, सॉरी परमानेंट सेट, हाँ प्लास्टिक स्ट्रेन या परमानेंट सेट या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कह लो, ठीक है, तीनों एक ही चीज है। नाउ तो यहां पे लोडिंग कौन सा, दिस इज योर लोडिंग कर्व, लोडिंग टू पॉइंट बी है ना, और ये आपका अनलोडिंग कर्व फॉलो हो रहा है, दिस इज योर अनलोडिंग कर्व। अब आपने क्या किया, पॉइंट सी पे लोडिंग किया, तो जो रीलोडिंग कर्व होगा वो ये होगा रीलोडिंग, तो रीलोडिंग करने के कारण
जो न्यू प्रोपोर्शनल लिमिट एस्टेब्लिश हो रही है दैट इज योर पॉइंट बी, अपने रिलोडिंग के अप टू पॉइंट सी लेट सपोज, फिर अनलोड जब करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये लाइन एंड पहला वाला जो लोडिंग कर्व था या सॉरी रीलोडिंग कर्व था, है ना, वो दोनों पैरेलल होंगे, है कि नहीं, पैरेलल होगा। तो दिस इज योर अनलोडिंग कर्व, ओके। नाउ जब फिर रीलोड करोगे तो ये रीलोड चलेगा, तो न्यू प्रोपोर्शनल लिमिट इज अगेन सी, ओके। और लोडिंग किया आपने अप टू पॉइंट डी, फिर अनलोड करिए, फिर रीलोड करिए, अनलोड रीलोड अनलोड रीलोड, तो हर एक साइकिल में प्रोपोर्शनल लिमिट इंक्रीजेस इन ईच साइकिल। डायग्राम बना, इन ईच साइकिल द प्रोपोर्शनल लिमिट इंक्रीजेस, लिख सकते हैं, लिमिट ऑल्सो इंक्रीजेस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये, नेक्स्ट बात सुनिए, देखो यहीं पे छोटा सा एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो दिमाग चकरा जाएगा। मान लो कोई एक ऐसा मटेरियल था, कोई एक ऐसा मटेरियल था जो कि हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता था, मतलब उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नॉन लिनियर था, इनिशियली थोड़ा सा पोर्शन स्ट्रेट होगा और बाकी नॉन लिनियर ऐसे थी, लेकिन ये इसका यहाँ पे कहीं पे इलास्टिक मटेरियल था ए, है ना। तो आपने क्या किया, एक साइकिल ऑफ लोडिंग अनलोडिंग हो गया बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, मतलब पॉइंट बी पे आपने लोडिंग कर दिया और अनलोडिंग भी कर दिया, है ना। तो एक साइकिल ऑफ लोडिंग और अनलोडिंग कंप्लीटेड, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं, नेक्स्ट साइकिल ऑफ रीलोडिंग, रीलोड कर रहे हो, रीलोड। तो जब रीलोड करोगे तो रीलोडिंग में मैं पॉइंट सी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मतलब यहां पर कहीं पे पॉइंट सी तक आप रीलोड नहीं कर रहे हो। अप टू वेयर यू आर रीलोडिंग, आप रीलोड कर रहे हो अप टू पॉइंट बी ओनली। मेरे से पूछो ना, मैं बता रहा हूं एक चीज, आप रीलोड कर रहे हो अप टू पॉइंट बी ओनली। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रीलोडिंग अप टू पॉइंट बी ओनली, समझ में आ रहा है। तो रीलोडिंग के टाइम पे जो कर्व फॉलो कर रहा है वो यही अनलोडिंग वाला कर्व को फॉलो कर रहा है ना। जो फर्स्ट साइकिल का अनलोडिंग कर्व था वही कर्व को वो फॉलो कर रहा है रीलोड होते वक्त, और आप पॉइंट बी तक ही रीलोड किए लेट सपोज। तो देखो क्या ये लीनियर नहीं है, तो क्या लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप नहीं शो कर दिया सेकेंड साइकिल में, है ना। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, वेन मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट देन अनलोडेड एंड अगेन रीलोडेड देन इट बिहेव एज ए लीनियर इलास्टिक मटेरियल, है क्यों। लीनियर इलास्टिक मटेरियल मतलब अप टू लोडिंग पॉइंट आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो लीनियर हो गया, यही बात है ना, रीलोडिंग कर्व को देखो तो लीनियर हो गया। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मटेरियल विल बिहेव एज ए लीनियर इलास्टिक मटेरियल इन रीलोडिंग साइकिल, क्या बात है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं फिर, इफ द मटेरियल देखना, ये सब चीज कोई नहीं पढ़ाता बाबू, मैं पढ़ा रहा हूं समझा समझा के, तो समझ समझ के पढ़ी। इफ द मटेरियल इज रीलोडेड आफ्टर बीइंग अनलोडेड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट अनलोडेड, लैपटॉप का भी चार्ज खत्म होने लगा है, अनलोडेड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट BEYOND बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, जैसे कि ये छोटा वाला डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको एक नोट पॉइंट में डालना है ना, इस चीज को एक नोट पॉइंट में डालिएगा। जैसे कि ये पॉइंट बी पे मैं बात कर रहा था, है ना, पॉइंट बी, तो इट फॉलो सेम पाथ
एज दैट ऑफ अनलोडिंग। दैट इज नाउ मटेरियल स्टार्ट बिहेविंग एज ए लीनियर इलास्टिक, स्टार्ट बिहेविंग एज इफ लीनियर इलास्टिक मटेरियल। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? कह सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इन सब चीजों को लिख लीजिए, लगभग एक घंटा इसी को समझाने में लग गया। इलास्टिसिटी वेरियर कोई बात नहीं, लेकिन चीजें समझनी बहुत जरूरी है ना। नहीं समझोगे, इन सब चीजों में डाउट रहता है। ओके, अब इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड कोई इधर उधर का नोट्स वोट्स देख लेते हो, बोलते हो वाह 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 महान आदमी व्यक्ति गजब गजब। यार कुछ नहीं है ये सब चीज। ठीक है, अपन भी हीरो तुम भी हीरो, आ जाओ। चलो पढ़ते हैं ध्यान से। तो यहां तक लिख लिया, खत्म बात। लेकिन ये सारा जो प्रक्रिया हो रहा है, ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं, इस चक्कर में हो क्या रहा है? प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड लिमिट वगैरह बढ़ तो रहा है, लेकिन ब्रिटलनेस भी बढ़ रही है मटेरियल की। डक्टिलिटी कम हो रही है, ब्रिटलनेस बढ़ रही है। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए होता है बेसिकली कि डिफॉर्मेशन के लिए देखो इल्ड प्लेट्यू चाहिए ना। इल्ड प्लेट्यू अगर रहेगा तब फिर डक्टिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम इल्ड प्लेट्यू को खत्म करते हुए चल रहे हैं, तो इल्ड प्लेट्यू खत्म होते हुए चल रही है। समझ रहे बात को? इल्ड प्लेट्यू इज गोस ऑन रिड्यूसिंग या वैनिसिंग। तो जोन ऑफ इल्डिंग, जो मटेरियल का जोन ऑफ इल्डिंग होता है, ये खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं, ठीक है एग्जाम्पल, चलो मैं समझा देता हूँ। देखो क्या होगा, क्या मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनने का जरूरत है ना। ये सब लिखना उतना तक ही था, अब बस एक बार थोड़ा सा और समझ लो। जैसे कि आपने क्या किया, ये मान लो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है किसी का, ठीक है, ये इलास्टिक लिमिट है, पॉइंट है। आपने ये पॉइंट बी तक आपने लोडिंग किया पहले, दिस इज लोडिंग, फिर आपने अनलोडिंग किया, ये कर्व आ गई, ठीक है। चार्ज यार बैटरी एकदम लैपटॉप का गया है, ये अनलोडिंग आ गई। अब आपने क्या किया, लेट सपोज कि पॉइंट यहां तक लोडिंग किया, पॉइंट सी तक, तो ये अनलोडिंग आ गई। मुझे ये बताओ, जब पहला वाला साइकिल में जब आपने पॉइंट बी तक लोडिंग किया था, ओके, और ये मान लो आपका जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसमें जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो कुछ यहां तक, ये वाला पॉइंट आपका फ्रैक्चर पॉइंट है। लेट्स सपोज इस फ्रैक्चर पॉइंट को मैं कहता हूं एफ। जब सोचो, जब पहला टाइम आपने पॉइंट बी तक लोडिंग किया था, पॉइंट बी तक आपने लोडिंग किया था, है ना, तो यील्डिंग के लिए कितना स्पेस बचा हुआ था, यील्डिंग के लिए और कितना मतलब यील्ड हो सकता था, इतना यील्डिंग और हो सकता था कि नहीं? लेकिन अगर सेकेंड साइकिल का बात करें तो यील्डिंग के लिए कितना जोन बच रहा है मटेरियल में, इतना ही डिफॉर्मेशन बच रहा है जिसमें वो यील्डिंग कर सकता है। तो क्या ये वाला बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है, ऑब्वियसली पहला वाला बड़ा है, समझ रहे हो? तो हम जैसे जैसे यील्ड स्ट्रेस बढ़ाते चल रहे हैं, कंटिन्यूअसली लोडिंग करते चल रहे हैं, जोन ऑफ यील्डिंग डिक्रीज होते हुए चल रहा है। देखो ना, ये इसी को हम बोल रहे हैं जोन ऑफ यील्डिंग। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, बी एफ इज ग्रेटर देन सी एफ, तो जोन ऑफ यील्डिंग जो है ना, दिस इज लेस, बट बी एफ के केस में जोन ऑफ यील्डिंग ज्यादा है। ओके, सो अगर आपने इस सेकेंड स्टेज पे छोड़ दिया, मतलब बी तक लोडिंग करके अनलोडिंग करके छोड़ दिया, तो फिर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस तो कुछ ना कुछ बढ़ी है ना, कुछ ना कुछ बढ़ी, लेकिन जोन ऑफ यील्डिंग आपके पास इतना है। लेट्स सपोज इसका वैल्यू है एक्स वन कह रहा हूँ और इसका वैल्यू है एक्स टू। लेकिन मान लो फिर से रिलोड करिए, और सी तक आपने रिलोड किया फिर अनलोड किए, तो जो जोन ऑफ यील्डिंग तुम्हारे पास बच रहा है वो बच रहा है एक्स टू। तो अब बताओ, ये जो दो डिफरेंट मटेरियल आया, एक पहला स्टेज का एक दूसरा स्टेज का, इसमें से किसका डक्टिलिटी ज्यादा होगा? ऑब्वियसली पहले स्टेज वाले मटेरियल का, क्यों? उसके पास जोन ऑफ यील्डिंग ज्यादा है, समझ रहे हो? जिस जोन में वो डिफॉर्म कर सकता है वो चीज उसके पास ज्यादा अवेलेबल है, तो इसलिए डक्टिलिटी पहले केस में ज्यादा होगा। तो यही बात है, इसलिए हम कह रहे हैं
यील्ड स्ट्रेस तो बड़ी बढ़ी रही है, बट जोन ऑफ यील्डिंग कम हो जाने के कारण उसकी डक्टिलिटी कम हो जा रही है एंड एट सेम टाइम ब्रिटलनेस ऑफ दैट मटेरियल इज इंक्रीजिंग। समझ गए बात को, ध्यान रहेगा माइंड में, ये सब बहुत डीप पढ़ा दिए, अंदर की बात है सब कुछ, क्लियर है? तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक हो गया खत्म, समझे? अच्छा एक चीज मैंने बोला था कि और बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि देखो यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, देखो जो मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे करता है तो उसका इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है वो तो लीनियर ही होता है, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा नॉन लीनियर अगर देखने को मिला तो ऊपर आगे दिखता है, लेकिन इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो वेरिएशन जो होती है वो लीनियर होती है। लेकिन ऐसे भी कुछ मटेरियल होते हैं जिनका इनिशियल इनिशियल से एक कर्व चालू होता है, ऐसा कुछ एक मटेरियल का बताया था, रबड़ का याद करो, रबड़ का। तो फिर ऐसे केसेस में हम क्या यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कंसिडर करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम देखो हम ये करते हैं जो एकदम ओरिजिन पे, देखो मैंने बोला था भले ही वो कर्व जा रही है लेकिन सबसे पहले इनिशियली स्टार्टिंग पे है ना वो थोड़ा कुछ ना कुछ लीनियर, थोड़ा सा भले ही थोड़ा सा लेकिन वो लीनियर थोड़ा सा देखने को मिलेगा, तो उसी का स्लोप को पकड़ते हुए एक लाइन को हम ऐसे प्रोपागेट करेंगे, तो ये लाइन कहीं ना कहीं आके कट करेगा कर्व को, तो ये जो लाइन का स्लोप है इसी को हम ले लेंगे एज ए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल, और इस पर्टिकुलर स्लोप को इस केस में कहा जाता है सेकेंड मॉडुलस, सेकेंड मॉडुलस। सो जो मटेरियल जिसका नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उस केस में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता नहीं है और हुक्स लॉ वैलिड होता नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो ई होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसको अलग तरीके से निकाला जाता है, जैसे सेकेंड मॉडुलस हो गया, टेंजेंट मॉडुलस हो गया है ना, टेंजेंट मॉडुलस जैसे कि ये तो हमने ये सेकेंड वाला बात बताया, टेंजेंट मतलब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, अब इस टेंजेंट का स्लोप देखो तो वही होगा टेंजेंट मॉडुलस, समझ में आ रहा है बात, ये सब चीजें। तो ये मॉडुलस के बारे में सारा जो डिटेल्स है ये आगे आपने पढ़े, आगे आपको पढ़ना है ठीक है, डिफरेंट दूसरे दूसरे सब्जेक्ट में मैंने बता रखा है अच्छे से, आरसीसी में बता रखा होगा, बीएमसी में बता रखा होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है आपको, समझ गए बात को ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग उधर पढ़ेंगे, इधर जरूरत नहीं है वो पढ़ने का है ना, बस आपको जान के मतलब जानना चाहिए कि सेकेंड मॉडुलस भी होता है कुछ कुछ, टेंजेंट मॉडुलस भी होता है, ओके ये बस समझ में आना चाहिए, तो ये आपको मैंने समझा दिया। अभी क्या है लिखवा भी देता, एक्चुअली मेरा बैटरी पावर कम है, चलो मैं लिखवा ही दूंगा इसको, एक नोट बना के लिखवा देता हूँ, एक नोट बना के लिखिए नोट, ओके कि फॉर मटेरियल विच हैव नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यंग्स मॉडुलस इज नॉट डिफाइंड, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉट डिफाइंड, ऐसा लिखो, तो लिखो फॉर मटेरियल विच हैव नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉट डिफाइंड, इसके लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइंड नहीं है, फॉर दोज मटेरियल वी यूज अदर सिमिलर क्वांटिटी नोन एज सेकेंड मॉडुलस और टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है। तो ये चीजें आपको आगे दिख जाएंगी डिफरेंट सब्जेक्ट में है ना, बहुत बार पढ़ा रखा है बता रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है,